एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम सभी को। मेरी तरफ से शाम का टाइम है और आप लोग कैसे हो? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, होना भी चाहिए। सो गाइज, मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो इतने सारे कपड़े मतलब उथल पुथल हो चुके हैं पूरे, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था इतने दिनों से कि इनको सही से रख लूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े फैले पड़े थे। तो बस देख के लौट जाती थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, बट आज मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है। तो देखते हैं, इसमें 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं, कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पे देखो, विंटर के बहुत सारे कपड़े हैं जो कि अभी कभी मौसम धूप वाला हो जाता है, कभी बारिश वाला हो जाता है, मौसम का पता नहीं चल रहा है। तो सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं बट अभी रखे नहीं है। मैंने सोचा अभी अच्छे से मौसम साफ़ हो जाएगा तभी मैं रखूँगी, क्योंकि फरवरी पूरा ऐसा ही रहेगा। शुरुआत की मार्च में भी ठंडक रहती है और बारिश हो जाती है तो ठंडक बढ़ जाती है। अभी भी बारिश हो ही रही है 2 दिन से, मौसम बहुत ख़राब है। बीच में 3-4 दिन इतनी कड़क धूप निकली थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी, लेकिन फिर से मौसम ख़राब हो चुका है। सो फाइनली यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपनी संध्या आरती करूँगी, और भी काम है उनको करूँगी। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा, पूरे ब्लॉग को देखिए, एंजॉय कीजिएगा। सो गाइस, फाइनली ये देखो, इतनी मशक्कत के बाद मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए, बहुत टाइम लगा है इसमें, सच में बहुत टाइम लग गया, 2-3 घंटे लग गए मुझे सारे कपड़े जमाने में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और अभी ये पता है 2-3 दिन ऐसे ही रहेंगे अच्छे से, और 2-3 दिन के बाद ये फिर से इधर से उधर हो जाएंगे। अभ्या नभ्या एक निकालती है और बाकी के सारे ऐसे निकल जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी तुम्हें चाहिए कोई कपड़ा, कुछ भी, कौन सा पहनना है तो मेरे से बोला करो, लेकिन नहीं, मैं कुछ कर रही होंगी तो सारे उलट पलट के रख देंगी। तो चलो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखो, ये अभ्या नभ्या के समर के हैं, मैंने इधर रख दिए हैं क्योंकि अब धूप भी पड़ने लगी है तो समर के कपड़े चाहिए। ये विंटर के हैं, अभ्या नभ्या के दोनों के नीचे तक रखे हुए हैं, और उधर पीछे मेरे हैं, और ये बेडशीट वगैरह हैं, ये इनके कपड़े हैं, और यहाँ पे रखा हुआ है ब्लैंकेट। तो ये ब्लैंकेट रखा है गुरुजी का, लेकिन वहाँ अभी पहुँच नहीं पाया, इतने दिनों से रखा है, कोई जा ही नहीं पाया है। सो फाइनली सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इतनी गंदगी मची हुई थी, इतने उलट पुलट हो रहे थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था हर माल छाटो बीनो पहनो, मिलते ही नहीं थे कपड़े। सो आज मैंने सबसे बड़ा वाला काम कर लिया है, सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से सोच रही थी, 15-20 दिन से सोच रही थी कि इनको अच्छे से कर लूँ, फोल्ड करके रख दूँ, लेकिन यहाँ तक आती थी फिर लौट जाती थी क्योंकि मन ही नहीं होता था, ऐसे पूरा भरा पड़ा था। अब ये फोल्ड होके जरा सी जगह में ही बन गई है, देखो अच्छे भी लग रहे हैं। सो चलिए चलते हैं। ये देखो, यहाँ पे ये ब्लैंकेट रखे हैं कुछ, अभ्या की डॉल रखी है। अब मैं जा रही हूँ संध्या आरती करने के लिए, कंघी भी नहीं की मैंने 2-3 दिन से, अभी जुकाम सही भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा सही हो गया है लेकिन आवाज़ पूरी तरीके से सही नहीं है मेरी। तो चलिए कर लेते हैं संध्या आरती, मिलते हैं आपके बाद में। हेलो गाइस, प्यारी सी गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम मेरी तरफ से, कैसे हो सब? होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह हो चुकी है और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इतने दिनों से धूप पड़ रही थी लेकिन आज बारिश हो रही है। तो मैंने अव्या नव्या को स्कूल नहीं भेजा है और ये निकल गए हैं। सो यहाँ पर क्या बन रहा है ये देखिए, ये ढोकले बनने की तैयारी हो रही है। तो 3 तो हो गए हैं, अभी हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई नहीं, इसमें तड़का लगाएंगे, सॉरी। तो ये देखो, मैंने मिर्ची कट करके रख ली हैं, और ये करी पत्ते, इसमें राई रखी है। तो चलिए, ये निकल गए हैं स्कूल, इनको हो रहा था लेट तो इन्होंने बोला मैं नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ चाय पी के गए हैं, क्योंकि स्कूल अब जल्दी के हो गए हैं, 7:45 पे जाना होता है। मैंने कहा बस इसमें तड़का ही लगाना है, कुछ नहीं करना है, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में ही खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा, लेट हो जाऊंगा इस वजह से। सो ये ढोकले ना मैं कई बरसों बाद, कई सालों बाद बनाने जा रही हूँ आज, क्योंकि जब मेरी भांजी रहती थी मेरे पास हरसू, तभी मैं बनाती थी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ढोकले। तो जब से वो चली गई है तो ढोकले भी घर में नहीं बने हैं, आई थिंक तभी बने, तब से आज बना रही हूँ मैं।
तो मैंने सोचा चलो बहुत दिनों से बहुत सालों से नहीं खाए हैं ढोकले, बनाते हैं और खाते हैं, तो चलिए बना लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए ढोकले खा लीजिए। सो ये देखो नव्या, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। हमारी नव्या स्कूल नहीं जा पाई है, ढोकले मैं बेसन के ढोकले बनाती हूँ, रवे के भी बनते हैं बट रवे के उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते जितने बेसन के लगते हैं, तो चलिए बनाते हैं आपको दिखाते हैं। गाइस ढोकले स्टीम हो चुके थे, उसके बाद मैंने इसमें लगाया कट और उसके बाद मैं इनको निकाल के रख रही हूँ एक प्लेट में। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, इतने ज़्यादा स्पॉन्जी लग रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मन कर रहा है कि कब तड़का लगाएं और कब इनको खाएं, आप लोग भी आ जाइए। तो इस कुकर में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए, लेकिन जब कुकर भी नहीं था तब मैं काफ़ी बार बनाती थी भगोने के ऊपर प्लेट रख के, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रख के इस तरीके से। तो अभी इसमें बना रही हूँ, अब तड़का लगा लेते हैं। बन गए ढोकले, बन के तैयार हैं। ये देखिए तड़का लगा दिया है मैंने और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चलिए आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। इस कुकर में ना ये इडली मेकर है और ढोकले मेकर भी है, तो मैं फर्स्ट टाइम इसमें ट्राई कर रही हूँ। और इडली हमेशा बनती रहती है, आप लोग देखते भी हो, लेकिन ढोकले मैंने फर्स्ट टाइम इसमें ट्राई किए हैं, जबकि इसको ना काफ़ी साल हो गए आए हुए। मैंने बताया ना आपको, जब मेरी भांजी रहती थी उसको पसंद, उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद थे मेरे हाथ के ढोकले। बोलती थी अपनी मामी से ढोकले ही बनवा के लाना लंच में, तो तब से मैंने नहीं बनाए हैं। सो आ जाइए, नाश्ता तैयार है, आप लोग भी कर लीजिए आके। तो चलिए नाश्ता तैयार है, आप लोग भी आ जाइए कर लीजिए आके। बाय बाय। अब्या नब्या, कैसी लगी डिश? अच्छी, रवे के ढोकले। रवे की नहीं है ये, तो बेसन के हैं। कैसी हैं? अब्या नब्या ने फर्स्ट टाइम खाए ना? अब्या 8 ईयर की है, नव्या 7 ईयर की है। सोचो मैंने बनाई नहीं है अभी तक, है ना नव्या? है ना? कुछ टाइम भी नहीं लगता है इनमें बनाने में, बहुत ही इजी है। अब्या नब्या ने जब सुबह पूछा कि मम्मा क्या नाश्ता बना रही हूँ, मैंने कहा ढोकले बना रही हूँ बेटा, कि हम नहीं खाएंगे, पता नहीं कैसे लगेंगे। लेकिन जब इन्होंने खाए तो इनको बहुत ही पसंद आए, बोल रही मम्मा और दे दो और दे दो। मैंने कहा ठीक है ले लो, फिर किसी दिन बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं रामायण पढ़ रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। उसके बाद मैंने नहा के पूजा की और रामायण पढ़ रही हूँ और फिर करूँगी मैं नाश्ता। सो चलिए गाइस, आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए, कपड़े सूख रहे थे छत पर, तो मैंने कहा चलो उठा लाती हूँ।
सो गाइस कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए, शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 5 और अभी मैं बनाने जा रही हूँ अदरक वाली चाय। आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय पी लीजिए। सो आज मौसम थोड़ा धूप वाला था तो मैंने स्वेटर नहीं पहना है। तो ये ब्लॉगिंग ना काफ़ी दिन की ब्लॉगिंग है, 8-10 दिन की ब्लॉगिंग है, एक साथ मैं इसको एडिट कर रही हूँ, इसलिए कभी धूप वाला मौसम था तो कभी बारिश वाला था, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो ऐसा ही चल रहा है, आपको पता है कि मेरे ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट आ रहे हैं, डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, कर भी लेती तो फिर अपलोड नहीं कर पाती हूँ, एडिट नहीं कर पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और सो गाइस यही सब है। चलिए यहाँ पे मैं दूध की मलाई निकाल देती हूँ, उसके बाद चाय में दूध डालती हूँ और बनाती हूँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पीते हैं, माइंड को करते हैं फ्रेश। सो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो गाइस बन गई मेरी चाय अदरक वाली, आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए चाय। और शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 और अव्या नव्या यहाँ पढ़ाई कर रही हैं। क्या कर रही हो नव्या? कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। क्या मम्मा? कॉमन नाउन नहीं, मटेरियल नाउन और एडवर्ब नाउन सीख रहे हैं। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन तो पहले सीख चुकी हो ना मम्मा। कॉमन नाउन भूल गए हम, पहले सीखी थी बहुत पहले, इस उस मकान में थे। कॉपी में लिख ले, भूल गई क्या? कॉपी में लिख ले। और क्या समझने के लिए कॉपी है? समझ लो पहले फिर लिखना बाद में, क्योंकि लिखते हैं ना तो फिर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? पहले समझ लो फिर लिखना, सारा टाइम लिखने में निकाल देते हो। सुबह चलिए पी लेते हैं चाय, आप लोग भी आ जाइए शाम वाली चाय पी लीजिए। और यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूँगी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी दिन बाद मैं आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ और इस बार मेरे बहुत लेट वीडियो आ रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय नमो, बाय बाय अभ्या, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन।